सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम चटपटे बैंगन बटाटा बना रहे हमारे तरीके से, कोकनी लोग भी ऐसा बनाते हैं। देखो ये दो बटाटे लिए हैं और दो बड़े वाले बैंगन लिए हैं, और ये ऐसे बैंगन लिए हैं। ये देखो ऐसे बैंगन को हमने ये देखो ऐसा काटे है, ये देखे ऐसा काटते उसको, और इसको मसाले में चटपटे बनाएंगे। देखो ये चार टमाटर को, बारीक बारीक टमाटर को दो हिस्से में काटे, ये देखो चार टमाटर लिए, और ये देखो ये स्वाद अनुसार नमक लेंगे, दो चम्मच भर तेल डालेंगे, बड़ा चम्मच भर तेल डालेंगे, कस्तूरी मेथी डालेंगे एक टेबल स्पून, कोथमीर डालेंगे एक टेबल स्पून भर के, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिए, ये मिर्ची डालेंगे, चटपटा बनने के लिए तीखा होना जरूरी है, ये दो प्याज बड़े बड़े हम चॉप करके लिए, ये खट्टा इमली भिगा के रखे, अब इसका रस निकालेंगे, एक टीस्पून हमने हल्दी लिया है और एक टीस्पून कुटा भुना जीरा लिए, और एक टेबल स्पून भर के हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर लिए। आप तीखी ले लो चटपटे बनने के लिए, हमारा तीखा कोई खाता नहीं इसलिए हमने ये लिए, एक टेबल स्पून भर के कुटा भुना धनिया लिए। अभी हम इसको बनाने का बता रहे, दो चम्मच भर तेल डाले, ये तेल है ना हमने कबाब फ्राई किए थे वो तेल है, इसमें तेल लाल दिख रहा है। अभी बता हम लोग आलू डाल दिए, अभी आलू को पहले फ्राई करेंगे, आधे हो गए ना फिर प्याज डालेंगे, ऐसा बना के खाओ भूलेंगे नहीं, इतना टेस्टी लगेगा। अभी प्याज डालेंगे, ये चटपटे आलू को तेल भी अच्छा रहेगा ना तो टेस्टी लगता है, ये तेल में बनता है। देखो अभी ये मसाले में तेल में जल जाता है, अच्छा टेस्टी लगता है, सुक्का सुक्का बनता है। हमने नमक डाल दिया है, देखो नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, ये ऐसा खिचड़ी के साथ, चावल सूखा चावल के साथ भी खा सकते, खिचड़ी के साथ रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा लाल करने का देखिए हमने कैसा कलर बदली किए, अभी इसमें अदरक लहसुन अच्छे से भुनेंगे, पूरा मसाला डालेंगे हाँ, और गरम मसाला जो है ना लास्ट में डालेंगे हाँ, कस्तूरी मेथी गरम मसाला लास्ट में डालेंगे, और इमली का खट्टा। देखो अदरक लहसुन भून के हो गया, अभी मिर्ची डालेंगे, मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से डालो, हमने पूरा मसाला भी भून डाले, अदरक लहसुन भी भून डाले, अभी मिर्ची डाले उसमें, चटपटा बनाएंगे। हमने हरी मिर्ची डेट के साथ डाले इसलिए कि उसमें भी टेस्ट रहता है, बैंगन को भी डेट के साथ डालते हैं, ये बड़े बैंगन है ना इसलिए हमने डेट के साथ नहीं डाले, छोटे बैंगन रहेंगे तो डेट के साथ डालो, एकदम फर्स्ट क्लास, डेट मतलब डंटल, उसका डंटल बोलते हैं उसको। अभी ये बैंगन डालेंगे, बैंगन डाल के पूरा मिक्स करेंगे, टमाटर डालेंगे और बारीक गैस पे रखेंगे, और लास्ट में ये गरम मसाला पाउडर है, इमली का खट्टा है और कस्तूरी मेथी लास्ट में डालेंगे, बैंगन बटाटा होने के बाद डालेंगे, पूरा मिक्स करेंगे और बारीक गैस पे रखेंगे, बटाटा गलने तक बैंगन गलने तक, एकदम ऐसा भी नहीं गलाने का कि बैंगन कुचरा हो जाए, बैंगन अक्का रहना चाहिए। दस मिनट रखेंगे, अभी इसमें इमली का खट्टा डालेंगे, देखो बटाटा पूरा गल गया अच्छे से, अभी हम इसमें इमली का खट्टा पहले डालेंगे, क्योंकि इमली का खट्टा डालने से बटाटा पकता नहीं, अभी हम इमली का खट्टा डालेंगे, मिक्स करेंगे और कस्तूरी मेथी और गरम मसाला डालेंगे, ये देखो 10 मिनट पकाए हमने, अभी ये डालने के बाद 5 मिनट पकाएंगे, ये देखो अभी गरम मसाला पाउडर डाले, अभी कस्तूरी मेथी डालेंगे और मिक्स करेंगे,
फिर बारी गैस पे 5 मिनट पकाएंगे। देखो इतना टेस्टी लगता है, ऐसा बना के खाओ फिर हमें बताओ कैसा लगा। अभी 5 मिनट हो गए, अभी हम इसको बंद कर रहे, बाद में सब करके बताएंगे। ये बैगन बटाटा बन के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। हमारे तरीके से बनाओ, देखो कितना अच्छा टेस्टी बना है, ऐसा बनाओ। और मेरे किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बजाओ, तो मेरी रेसिपी रोज की नई नई आपको देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप पे भेजो, रिश्तेदारों में भेजो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज। अल्लाह हाफिज़।